ये है दिल्ली दर्पण। तो महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे, वो देन है इंदिरा जी की, वो देन है राजीव जी की, जिसको आगे बढ़ा रहे हैं राहुल जी और आदरणीय सोनिया गांधी। व्यवस्था बनाते हुए महिलाओं को आगे चलने दीजिए, हमारे सभी जेंट्स भाई पीछे उनको फॉलो करेंगे। सब तैयार है? तो दिल्ली की महिलाओं के न्याय की लड़ाई के लिए हम सब तैयार हैं? तैयार है? चला जाए, चलिए। मेरे ख्याल से उस समय 60 या 65 करोड़ का हिंदुस्तान था, शायद ही कोई हिंदुस्तानी होगा जिसको जल्दी स्वयं न जानती हो, और इसीलिए हम सबके लिए आज भी वो इंदिरा अम्मा है। इंदिरा अम्मा केवल ऐसे नहीं बनी है, मैं अपना उदाहरण देना चाहता था, लाखों कार्यकर्ताओं के पास ये उदाहरण है, लेकिन हमको आप में से कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी भी चाहिए, और इस इंदिरा गांधी के आह्वान के लिए हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अलका जी, मैं चाहता हूँ कि आप में, आपके लोगों में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ब्लॉक में, आप हर जगह हमें इंदिरा जी की प्रतिमा दीजिए, तब देखिए ये देश कहाँ जाता है, कांग्रेस कहाँ जाती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में शक्ति का प्रतीक महिला है, ये मैं नहीं, ये देश की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से जाना जाने वाली इंदिरा गांधी ने कहा था। आज उनके जयंती है और जयंती के अवसर पर आज कांग्रेस जो है जगह जगह न्याय यात्रा निकाल रही है। इस वक्त मैं विश्वास नगर विधानसभा में मौजूद हूँ, जहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद आएंगे और हजारों महिलाओं के बीच में जो नारी शक्ति का स्वरूप कही जाती है उसको न्याय यात्रा में, एक न्याय यात्रा में शामिल करते हुए आगे पूरे विश्वास नगर के अंदर दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास कांग्रेस से करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा मंच जो है सत्य सजावट के तहत सज चुका है, सभी और नेताओं का आगमन शुरू हो गया है और जितने भी आसपास के नेता हैं, यहाँ के विधायक हैं पूर्व, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। जैसे ही देवेंद्र यादव आएंगे, हम आपको देवेंद्र यादव ने क्या कुछ इस यहाँ पर मंच पर रहते हुए कहा वो भी आपको सुनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम विश्वास नगर पहुँचे, जैसा आप जानते हैं अपनी इस यात्रा को न्याय दिलाने के लिए, और मुझे खुशी है कि हजारों की संख्या में हमारी महिलाएं सहयोगी हैं, बहनें अब आज आई हैं अपने न्याय का हक लेने के लिए। इस दौरान हम लोगों के बीच में जाएंगे, और जैसा आप जानते हैं प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, हम मास्क भी बांटने का इस दौरान अपना कार्य निरंतर जारी रखेंगे। तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है, आप केजरीवाल सरकार को दोषी मानते हैं भाजपा? देखिए, दोनों ही सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के ऊपर टालने की इनको आदत हो गई है। कोई प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से नहीं किए गए कि इस प्रदूषण, बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती। इसी प्रकार से जो दिल्ली की सरकार है वो भी पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। मुझे ऐसे समय में याद आता है जब हमने दिल्ली में हमारी सरकार हुआ करती थी, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स लेते हुए जहां ग्रीन कवर बढ़ाने का काम किया, वहीं सीएनजी बसेस लाने का काम किया, एलपीजी जो हमारी केरोसिन थी उसको एलपीजी में कन्वर्ट करने का काम किया। मुझे खुशी है मौके पर जहां हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका जी आई हैं हमारे बीच में, हमारे यहां के पूर्व एमपी भाई संदीप दीक्षित जी हैं, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों के साथ साथ सभी हमारे न्याय यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं। आदरणीय मुमताज जी भी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी इस यात्रा को समर्थन देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की कांग्रेस लगातार दिल्ली के मुद्दों को उठाती रहेगी, चाहे वो नारी के खिलाफ हो रहे अत्याचार की बात हो। मुझे दुख होता है जब एनसीआरबी एक रिपोर्ट निकालती है और उसमें ये बताती है कि लगभग
19 जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसकी 30% जो क्राइम होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। हर रोज 3 महिलाओं के साथ रेप यहाँ पर होता है, तो ये बहुत ही भयावह मैं समझता हूँ कि डेटा है और कहीं ना कहीं इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस देखिए, हम सबके लिए आज बहुत गर्व का दिवस है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न शहीद इंदिरा गांधी जी ने की जयंती के 107 वर्ष पूरे हो रहे हैं और दिल्ली न्याय यात्रा आज पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित कर दी गई है। महिलाओं के मुद्दों को लेकर ये केंद्रित रहेगी और महिलाएं आज इस यात्रा में जिस तरह से आप देख रहे हैं बढ़ चढ़ कर चल रही है, स्वाभाविक है। इंदिरा गांधी जी के जो रास्ता था, जिस तरह का त्याग और बलिदान, संघर्ष, हर चीज का उन्होंने सामना किया, उन सबको देखते हुए हम ताकत लेने आज इस यात्रा में निकली है। मकसद ये है कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर आधी आबादी सुरक्षित नहीं है, अन्याय झेल रही है। आज वही बहने, हम उन बहनों को ताकत देने आए हैं जो कहीं ना कहीं हमारा इंतजार कर रही है। हम बहनों ने आज सड़कों पर उतर कर उन बहनों का इंतजार खत्म करने की ठानी है। हम इस लड़ाई में उन्हें साथ देंगे और उन्हें ताकत देंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार देवेंद्र यादव और संदीप दीक्षित, इसके अलावा अलका लांबा जी भी इस पूरे यात्रा में, महिला न्याय यात्रा में शामिल हुई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उन सभी लोगों ने महिलाओं को विशेष अभिवादन करते हुए कहा कि महिलाएं जो हैं आने वाले समय में हर घर से कहीं ना कहीं, हर वार्ड से हम लोग एक इंदिरा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी जो हैं एक देश की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इस नाते कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इंदिरा के नाम पर भी एक बार लग रहा है कि इंदिरा के नाम पर भी क्यों ना इस बार इलेक्शन लड़ा जाए दिल्ली के अंदर। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली कांग्रेस की जो ये पहल है भारत जोड़ो यात्रा के तहत, दिल्ली न्याय यात्रा को देखते हुए क्या ये पहल कितनी कामयाब हो पाती है, नहीं हो पाती है। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा बढ़ती जा रही है, उसके पास कई नेता, उसके बाद जो है कई नेता भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन सभी सवालों से, इन सभी बातों को देखते हुए एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को वास्तविक रूप से इस पूरे न्याय यात्रा के जो फायदा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप देखते हो दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर इस वक्त मौजूद था विश्वास नगर विधानसभा में, जहाँ से आज कांग्रेस की जो है इंदिरा गांधी जी को विशेष समर्पित न्याय यात्रा निकाली गई। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।